जागते रहो। एक ने पूछा, परमात्मा स्वर्ग किस ग्रह पर है? किस ग्रह का नाम है स्वर्ग? कैसे कैसे प्रश्न पूछते हो तुम? तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर ही हंसी आती है। स्वर्ग किसी ग्रह का नाम नहीं होता, स्वर्ग तुम्हारे रहने की दशा का नाम होता है। किस दशा में, किस स्तर पर, कितने जागृत तुम रहते हो। बुद्ध पुरुष अपना स्वर्ग, अपना मोक्ष, अपना वैकुंठ अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके चारों तरफ जो हवा होती है, जो ओरा होता है, जो मौसम होता है, वो होता है स्वर्ग उनका। बुद्ध पुरुष अपना स्वर्ग स्वयं पैदा करते हैं। और तुम्हारे धर्मगुरु सच्चिदानंद की माला फेरते हैं, सच्चिदानंद नमः। लेकिन आनंद किसी को नहीं मिला अभी तक, आनंदित होते ही नहीं। मैंने एक पोस्ट बनाई थी, वेबसाइट पे पड़ी होगी, पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी नाले झरने, जिन्होंने कोई वैकुंठ नहीं जाना, कोई गोलोक नहीं जाना, कोई स्वर्ग नहीं जाना, ध्यान से देखना, फिर भी आनंदित। और तुम्हारे धर्मगुरु जिन्होंने वैकुंठ भी जाना है, गोलोक भी जाना है, स्वर्ग भी जाना है, और इनके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं, वो जप तप व्रत अनुष्ठान, पत्थरों की पूजा, हजारों लीटर दूध दही घी पंचामृत सब किए जा रहे हैं, फिर भी दुखी। कभी सोच के भी नहीं देखा कि वो कुछ नहीं कर रहे पशु पक्षी फिर भी सुखी, हम सब कुछ कर रहे फिर भी दुखी। स्वर्ग ग्रह का नाम नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे चारों तरफ वाली हवा का नाम है। बुद्धों के चेहरे देखो और अपने अपने धर्मगुरुओं के चेहरे देखो, सभी उदास। क्यों उदास तुम्हारे धर्मगुरु? क्योंकि सभी के भीतर एक दौड़ बची हुई है। तुम्हारे धर्मगुरु दौड़ लगा रहे हैं ठीक तुम्हारी तरह। तुम में से किसी को कोठी चाहिए, किसी को कार, किसी को बैंक बैलेंस, किसी को फौरन में मकान। और तुम्हारे धर्मगुरुओं को क्या चाहिए? किसी को सदगुरु बनना है, किसी को महामंडलेश्वर बनना है, किसी को सिद्ध बनना है। कोई तुम में से कोई यहां पर कोठी बनाना चाहता है, तुम्हारा धर्मगुरु स्वर्ग में कोठी बनाना चाहता है। किसी को कनाडा जाना है, तुम्हारे धर्मगुरु को वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है। दौड़ दौड़ और दौड़, बस यही है उनका जीवन। तुम्हारे सभी के धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूं, केवल हिंदू नहीं समझ लेना, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के, सभी सभी को कहीं पहुंचना है। और जो यहां शांत नहीं है, तुम क्या सोचते हो ऐसा अशांत आदमी स्वर्ग में जाकर शांत हो जाएगा एकदम? अशांति के वृक्ष पर शांति का फल लग जाएगा। यहां दुखी व्यक्ति वहां जाते ही सुखी हो जाएगा। कैसी कैसी विडंबनाओं में तुम खोए हुए हो, कैसी कैसी मूर्ताएं तुम्हें सिखाई गई हैं। अशांत आदमी स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे सभी के धर्म गुरुओं को बुद्धि नहीं है। जिसे जीते जी स्वर्ग नहीं मिला, वो मूड मरकर कैसे स्वर्ग को पाएगा? स्वर्ग सुख आनंद शांति मोक्ष मुक्ति निर्वाण ये जीवन से निकलती है। स्वर्ग पहाड़ों में नंगे रहने से नहीं मिलता, स्वर्ग मरघटों में भभूत लगाने से नहीं मिलता। जीवन में नित्य घटित हो जाए, बस वही स्वर्ग प्रकट हो जाता है। तुम बुद्धों का जीवन देखो, महावीर बुद्ध जब दुखी थे, जब उन्होंने धर्म स्वर्ग मोक्ष मुक्ति आनंद बोध
नहीं पाया था तब वो जंगल भाग गए। और जैसे ही उनमें परम ज्ञान का प्राकट्य हुआ वो पुनः जंगल छोड़कर जीवन में आ गए, तुम्हारे बीच में आ गए। स्वर्ग जीवन में है, तुम्हारे अपने जीवन में आज जंगल में नहीं है। स्वर्ग एक हवा का नाम है जो तुम्हारे बुद्धों के चारों तरफ बनती है, धर्म गुरुओं के चारों तरफ नहीं। उनका स्वर्ग तो दूर अंतरिक्ष में कहीं है जो उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।